हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक नंबर 7। अस्माकम्, ठीक है, जो आखिर में मां है वो डॉट ऊपर लगा हुआ है, तो उसको ऐसे पढ़ेंगे कि उसके बाद अ की साउंड नहीं आनी चाहिए, लिप्स को दोनों को बंद करना है। अस्माकम्, ठीक है, टू टी यू टू, उसके बाद विश इष्टा, वी आई एस जो है उसके ऊपर डॉट है तो श की साउंड निकालेगा विश, उसके बाद आई एस के बाद जो श है उसके ऊपर भी डॉट, नीचे डॉट है तो वो भी श की आवाज निकालेगा, और टी के नीचे डॉट है तो वो ट की आवाज निकालेंगे, और ए के ऊपर लाइन है तो वो खींच के पढ़ेंगे आ। विशिष्टा, फिर से देखो, विशिष्टा वाई ई ये, ठीक है, पूरी लाइन देखो, अस्माकम् तु विशिष्टा ये, गुड। उसके बाद तान ठेन तान निबोध द्वि डी वी आई द्वि जो जे ओ जो, अब देखो दो त है ना, तो पहले एक त पढ़ेंगे और दूसरा तमा बाद में पढ़ेंगे, द्विजो तमा, तान निबोध द्विजोत्तमा, ठीक है, पूरी शुरू से देखिए, अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तमा, ठीक। नेक्स्ट ना य का, जब ए के ऊपर लाइन है तो उसको बड़ी आ करके पढ़ रहे हैं, और बीच में जो वाई ए के ऊपर लाइन नहीं है तो उसको य पढ़ेंगे, देखो ना य का, ठीक। मम एस ए आई एन साइन वाई ए एस यस वाई ए य साइन यस य, ठीक है, ना य का मम साइन यस य। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर एस ए एम के ऊपर डॉट है सम, और जी एन ए जब भी कहीं पर आता है, जे एन ए एन के ऊपर जब ऐसा बना होता है तो ये कैस क्या बढ़ना चाहिए, जना बढ़ना होता है ना, लेकिन ये जना कभी नहीं पढ़ना, इसको ग्य पढ़ते हैं, ये रोमन इंग्लिश है ना, तो उसमें ग्य लिखने के लिए जे एन ए इस तरह लिखा जाता है। कहीं पर भी ये हो आप नोट कर लो कि कहीं पर भी जे एन ए लिखा होगा तो आप उसको ग्य पढ़ोगे, सम ग्यार्थम, ऐसे सम ग्यार्थम, अब देखो सम ग्यार्थम तान टी ए एन तान, और उसके बाद ब्र वी मी बी आर ए ब्र वी आई वी एम आई मी टी ई ते सम ग्यार्थम तान ब्र वी मी ते, समझ में आप। अब शुरू से पढ़ते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते।